अरे बच्चों, अरे मिंकू अंकल, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ मक्खियाँ मार रहा हूँ। मैं भी लोगों की हेल्प कर रहा हूँ जैसे आप लोग करते हो। मिंकू अंकल, आप टिंकू अंकल को फोन करें, हम उसका पीछा करते हैं। चलो। हाँ बच्चों, पकड़ो इसको, पकड़ो। मेरे, हमें प्लीज जाने दें। चुप, बहुत जुबान चलती है तुम लोगों की। क्यों लाए हैं आप हमें यहाँ? मैं लेकर आया हूँ तुम्हें। तुम लोग यहाँ अपनी गलती की वजह से आए हो। किसने कहा था मेरा पीछा करो? तो आपको किसी ने बताया नहीं है कि ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए? तुम कल के बच्चे अब मुझे सिखाओगे कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। और वैसे भी अपने रूल्स मैं खुद बनाता हूँ। बॉस, इन बच्चों को तो मैं देख लेता हूँ। बीच में नहीं बोलने का। जब बात करने के लिए कहा जाए तब बोलो। इस बार तुम लोगों को जाने दे रहा हूं मैं, लेकिन आइंदा अगर मेरे रास्ते में आने की कोशिश की छोड़ूंगा नहीं। इतनी देर हो गई, बच्चे अभी तक नहीं आए। मैं तो पहले ही कह रही थी इस वक्त बच्चों को नहीं भेजना चाहिए था। पहले ही बड़े थक कर रहे थे। अब्बा जान, मैंने टिंकू मिंकू को बुलवा भेजा है, वो अभी आते होंगे। खैरियत है दादा जान, आपने इस वक्त हमें बुलाया। ओ, बच्चे आइसक्रीम खाने गए थे, अभी तक वापिस नहीं आए। वो तो मेरे साथ ही थे। तुम्हारे साथ थे तो फिर कहाँ गए? हाँ, कुछ लोगों ने ना ट्रैफिक सिग्नल तोड़ा था, वो उनके पीछे गए हैं। ओहो, बच्चे उनके पीछे चले गए और तुम मुझे अब बता रहे हो खोते? सर जी, मैंने समझा वो घर वापस आ गए होंगे। इस वक्त तुमने बच्चों को क्यों जाने दिया? परेशान ना हो, आ जाएंगे वो। एक घंटे से बच्चे घर पे नहीं आए, तुम कहती हो कि परेशान ना हो। चलो चल के बच्चों को लेके आते हैं। चले आओ, आओ। बॉस, आपने बच्चों को जाने क्यों दिया? तुम टेंशन बहुत लेते हो। बिल्कुल बेफिक्र रहो, अब ये बच्चे इस जगह तो क्या इस शहर में तुम्हें कभी नजर नहीं आए। लेकिन कैसे? मैं बॉडी के साथ साथ बिल्डिंग्स भी बनाता हूँ और उसके लिए मुझे चाहिए जमीन, और वो जमीन इस खुशी टाउन से बेहतर कहीं नहीं मिल सकती। यहीं पर बनाऊंगा मैं अपना ड्रीम सिटी। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन होगा कैसे? भूतों की मदद से। भूतों की मदद? हाँ, भूतों की मदद से।
ये तो नकली भूत है, मैं तो ऐसे ही डर रहा था। बस यही डर खुशी टाउन खाली करवाएगा और यहाँ के भोले भाले लोग डर कर भाग जाएंगे और मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊंगा और बनाऊंगा अपना ड्रीम सिटी। बच्चे आ गए। बेटा तुम लोग सब किधर चले गए थे? ना बेटा, तुम्हें क्या जरूरत थी उनका पीछा करने की? तुम लोगों को पता है तुम्हारी वजह से हम कितना परेशान हुए हैं। इतनी बार मना किया है, रात को बाहर नहीं जाते। ठहर जो, मेरे बच्चों को आराम करने दो, पहले ही बड़े थके हुए हैं। सुबह होगी ना तो उनसे पूछ लेना जो जो भी पूछना है। बच्चों जाओ, जाओ जाके आराम करो। चलो अंकल, वो बहुत खतरनाक लोग थे, उन्होंने हमें किडनैप किया और हमें पता भी नहीं चला। उन लोगों ने तुम्हें इंस्पेक्टर टिंकू के इलाके से किडनैप किया है। किडनैपर तो इंस्पेक्टर टिंकू के नाम से 100 किलोमीटर दूर भागता है। सर जी 50 किलोमीटर दूर? और नहीं, जो किडनैपर होता है ना वो 100 किलोमीटर ही भागता है। तो फिर आप लोग वापस कैसे आए? हमें उनका ठिकाने का तो नहीं पता चला क्योंकि हमारी आंखों पर पट्टी बांधी हुई थी और वो हमें वापस उसी वाले सिग्नल पर छोड़कर चले गए और हमारी साइकिल में वापस दे दी। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम उनको फिर से नजर आए तो मैं छोड़ेंगे नहीं। उनकी ये जुरत इंस्पेक्टर टिंकू ने नहीं छोड़ेगा और मिंकू भी। सर जी चपेट नहीं मारना। सन्नाटे में सबको सुन कर देने वाली खबर, खुशी टाउन खाली हो रहा है, शहर में भूत घुस आया है। कौन है ये भूत, कहां से आया है ये भूत, ये कोई नहीं जानता। टिंकू साहब, शहर में भूत घुस आया है, आपका इस बारे में क्या कहना है? देखें जी, मेरा इस बारे में ये कहना है कि भूतों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ से 50 किलोमीटर दूर जब कोई भूत का बच्चा रोता है ना, उसकी अम्मी कहती है चुप कर जाओ नहीं तो इंस्पेक्टर टिंकू आ जाएगा, तो वो चुप कर जाते हैं, पिन ड्रॉप साइलेंस कर देते हैं, और जो नहीं चुप करते वो डर के भाग जाते हैं। और साथ बॉस भी। इधर आओ। अब क्या हुआ? उनसे पूछो क्या आप भूतों का मुकाबला कर सकेंगे। भूतों का मुकाबला तो इतना कोई मुश्किल है ही नहीं, ये आराम से कर सकता है। हाँ जी, मुझे मंत्र आता है। ये क्या कह रहे हैं सर जी? चुप करो, उनको क्या पता है? ये बड़ा बहादुर है, सबको पता है ये बहुत बहादुर है। तो सर जी आप क्या करेंगे? मैं वीडियो बनाऊंगा, जब तुम भूतों का मुकाबला करोगे तुम्हारी वीडियो बना के मैं ना इंटरनेट पे डाल दूंगा, वायरल कर दूंगा। बिल्कुल ठीक। लेकिन मेरी बात सुने खुशी टाउन के लोग, सब बेफिक्र हो जाएं, ऐसी कोई बात नहीं है, भूत यहाँ आ ही नहीं सकता। भूत यहाँ आएगा तो हम उसको पकड़ लेंगे या उसको मार के भगा देंगे। अच्छा ये बात, तो आज रात पुलिस स्टेशन में भूत आएगा, भूत, फिर देखता हूँ कि तुम उसका मुकाबला कैसे करते हो। खुशी टाउन के सब लोग डर गए हैं। मुझे तो ये किसी एलियन का काम लगता है जो हमारे सियारे पर आ गया है। यार मुझे तो ये किसी इंसान का काम लगता है जो खुशी टाउन की खुशियां बर्बाद करना चाहता है। हमें हमारे खुशी टाउन को बचाना होगा वरना तो सब लोग डर के भाग जाएंगे। मतलब हमें इन भूतों का मुकाबला करना होगा और इन्हें खुशी टाउन से भगाना होगा। यार मगर कैसे? ओए इधर करो मुँह। ओहो बेवकूफ, कैसी आवाजें निकाल रहे हो? Oh!
बात करो। गुड इवनिंग इंस्पेक्टर साहब। गुड इवनिंग कह रहे चुप करो। गुड इवनिंग कैसी रिपोर्ट आप ना लिखना ये पता नहीं क्या क्या मामला है। आप भूत कह रहे भूतनी का बच्चा कह रहा है रिपोर्ट लिखो। मेरे जरिए लिखी जा रही मेरे जरिए लिखी जा रही तुम लिखो यहाँ पे ये लिखता है भूत साहब ये। चलो ऐसा करो मुझे सर जी निकले गाइस तुम लोग को प्लान याद है ना। हाँ हाँ तो मिशन के लिए चलते हैं। यस चलो। आप भूत है तो फिर मुझे पकड़ के दिखाए। ये बच्चे तो भूतों से भी नहीं डरते। मुझे बॉस को बताना पड़ेगा। ये पहली बार किसी भूत को चोट लगते हुए देखे। और मैंने क्या कहा था कोई इंसान ही है ये। यार हम इससे पहला बार हम तो जीत गए। अब ये कल जरूर आएगा और कल हमें इससे भी ज्यादा अच्छी तैयारी के साथ आना पड़ेगा और इसका असर चल सबके सामने लेकर आएंगे। Yes. चलो लेट्स गो। हाँ तो बताओ क्या खबर लाए हो। तुम्हारी खामोशी का मतलब ना है। बताओ तो सही वहां पे हुआ क्या था। बॉस बॉस वो बच्चे बहुत बहादुर थे। वो किसी से नहीं डरते। मैं बॉडी के साथ साथ बिल्डिंग्स भी बनाता हूं और तुमसे एक काम ठीक से नहीं हो सका। बच्चों से मार खाकर आ गए। पर बॉस क्या बॉस अब की बार उनको डरना होगा वरना मेरा ड्रीम सिटी का ख्वाब एक ख्वाब बनकर रह जाएगा। भूत आए रात को मुझे अपनी तरह से डरा रहे थे। मैंने कहा इंस्पेक्टर टिंकू है मेरा नाम और भूतों को पकड़ना है मेरा काम। भूत मेरे से 50-50 किलोमीटर दूर भागते हैं। सर जी हम नहीं भागे थे। चुप करो तुम। पिन ड्रॉप साइलेंस रखो। देख नहीं रहे पागल आदमी मेरा इंटरव्यू हो रहा है। मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ। तो भूत जो थे ना वो पतली गली से डर के भाग गए। तो सर जी पतली गली से तो हम नहीं भागे थे। चुप करो। Excuse me, फोन आ गया है। हेलो इंस्पेक्टर टिंकू है मेरा नाम। आज भूत फिर आएंगे। आप तैयार है ना। भूत तुम्हारा फोन है। भूत आ रहे आज फिर आएंगे भूत। मैं कह रहा था ना इतनी लंबी ना छोड़े। कोई बात नहीं बच्चों खुशी था उनके लिए तो ये अपनी जान भी दे सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अब मेरा मतलब है कि मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। ओके लाफिस। अगर आप खुशी टाउन के लिए अपनी जान जोखों में डाल सकते हैं तो हम भी आपको देंगे लाइव कवरेज। लाइव कवरेज ये मैंने क्या कह दिया। तो सर जी अब हम क्या करेंगे। हम तो पता नहीं क्या करेंगे। जो करेंगे भूत ही करेंगे। भूत क्या करेंगे।
तो मिलते हैं आज रात भूतों के साथ। आप जुड़े रहिए एबी न्यूज के साथ, क्योंकि आज रात हम देने जा रहे हैं बहुत बड़ी लाइव कवरेज। फोन आ गया। हेलो इंस्पेक्टर टिंकू स्पीकिंग। आप जल्दी आ जाएं, रेडी हो जाएं। वो एक नहीं, तीन तीन भूत हैं। बंद कर दियो तो तीन तीन भूत भूत लगता है वो अपने रिश्तेदारों को भी साथ लेके आ गए। मैं तो तैयार हूँ बच्चों, लेकिन मेरे हाथ नहीं तैयार, मेरी टांगे नहीं चल रही, मैं क्या करूँगा। एक तो वो पता नहीं मिंको किधर मर गए, एंड टाइम पे भूतों ने मुझे छोड़ना नहीं है, लेकिन क्या करूं, बच्चों के फोन का इंतजार तो करना ही पड़ेगा। फिर भी छुप ही जाता हूं। अरे पहले तो हमारे बच्चे चोरों के पीछे भागते थे, अब भूतों को भी पकड़ने लग गए। अरे बागबरी, ये भूत नहीं है। हा? ये सब दो नंबर हैं, जेली हैं। देख ले, अभी हमारे बच्चे आएंगे ना तो वो दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे, बता देंगे कि वो भूत नहीं है। ये वही बच्चे हैं ना? जी बॉस। इनको तो मैं खुद देखता हूँ। हेलो टिंकू अंकल, आप जल्दी से आ जाएं। अच्छा मैं आता हूँ। जल तू जलाल तू, आई बुला को टाल तू। बच्चू नाराज में पकड़ लिया, पकड़ लिया, पकड़ लिया मैंने। भूत बना हुआ था अपनी तरफ से। इंस्पेक्टर टिंकू के इलाके में बेवकूफ बनाते हो। छोड़ो, मेरे इलाके में आके ये पुलिस को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा था। नाजरीन, ये वो बंदा जो बेवकूफ बना रहा था। इंस्पेक्टर टिंकू है मेरा नाम। इस जैसे भूतों को पकड़ना है मेरा काम। मुझे मेरी आनक नहीं मिल रही। कोई बात नहीं, अभी टिंकू आता ही होगा। चलो ना बच्चों, तुम्हें थाने ले जाना। चलो चलो चलो। नकली भूत वाले अंकल, अपना चेहरा तो दिखाएं। आप ही अपना चेहरा दिखाएं। इन लोगों ने मेरा पूरा प्लान खराब कर दिया। अब तुम लोग मेरे से बच के कहीं जा नहीं सकते। बॉडी के साथ साथ बिल्डिंग्स बनाने का अपना ये ख्वाब मैं जरूर पूरा करूंगा, और ये ख्वाब पूरा करने से मुझे कोई रोक नहीं सकता। तुम बच्चे भी
ये ले एक और नकली भूत। टिंकू अंकल वही लोग हैं जिन्होंने हमें किडनैप कर लिया था। ओए तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम लोगों को तो मैं डबल डबल सजा दूंगा। एक तो तुमने बच्चों को किडनैप किया और दूसरा मैं भूत बन के डराते हो। हाँ मैं ना गिरफ्तार कर ले। चुप करो डरपोक इंसान। वही तो करने आए हैं बच्चू। अब तुम जेल जाके बॉडी बनाना और बिल्डिंग बनाना तो तुम भूल ही जाओ।